गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज का सेशन एक इंफॉर्मेशन सेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ डेली के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में आज के सेशन में मैं जो कोर्सेज डिस्कस करूंगा वो नॉन साइंसिस कोर्सेज होंगे ठीक है तो ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स या मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है डेली यूनिवर्सिटी में जो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं कईयों की इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको होगी कुछ कोर्सेज होंगे जो शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना हो सके ठीक है तो ध्यान से, से सेशन सुनिएगा स्मॉल सेशन है Uh, आप बोलोगे सर साइंस के प्रोग्राम्स uh, के बारे में क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं अब देखिए साइंस प्रोग्राम्स साइंस प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले बहुत लोग हैं ये वाले लोग हैं वो वाले लोग हैं बहुत लोग हैं बट uh, ऐसा नहीं है कि मैं साइंस प्रोग्राम्स डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ आज का सेशन फोकसड है नॉन साइंसेस तो इन अपकमिंग वीडियोस में साइंस के ऊपर भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो साइंस स्ट्रीम से लोग हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली इस साल से आपको सबको पता ही है सीयूटी के अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है और बहुत लोग अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो इस साल से सी के थ्रू जितने भी यूजी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं तो यू सी यूटी यूजी के थ्रू एडमिशन हो रही हैं ठीक है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग थर्ड स्पॉट एडमिशन सब कुछ चल रहा है जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं सीयू 2023 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो अप्लाई कर सकते हो और करियर पाथ एक हो सकता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बी ए बी कॉम इवन साइंस बी एस सी बी एम एस बी बी ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो सीयू टी के थ्रू क्लोज टू यू नो प्रोग्राम जो कि डेल यूनिवर्सिटी के थ्रू सी यू टी ऑफर है बहुत प्रोग्राम्स हैं ठीक है कुछ कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ बहुत बढ़िया कॉलेजेस है हैं और कुछ एल्यूमिना नेटवर्क भी इनका बहुत स्ट्रांग है सेंट स्टीफन कॉलेज की बात करें तो शशि थरूर स्वपन दास गुप्ता कपिल सिब्बल ये बहुत बड़े नाम हैं जो इन कॉलेजेस से हैं और अगर आपको मौका मिलता है इन कॉलेजेस में जाकर ऑब्वियसली तैयारी करनी होगी तो डेफिनेटली एक बहुत लर्निंग कर्व बनता है बहुत लर्निंग होती है और क्लैरिटी आती है इन, इन में कि आपको करना क्या है एक करियर पाथ भी बनता है आपके आ, मन में एस आर सी सी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अरुण जेटली रजत शर्मा अगेन ऑसम कैंपस आर्ग्यूबली वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस एज फार एज बी कॉम ऑनर्स डिग्री और बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ठीक है देन यू हैव हंसराज कॉलेज जो इन कैंपस से ऑब्वियसली ग्रेजुएट हुए हैं यू हैव लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वेमेन गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिट्री फंडीता बाली टीना डाबी आई एस टॉपर रह चुके हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज बिकॉज़ ये कैंपस ही ऐसे हैं कि आपको एक करियर पाथ द मोमेंट यू ज्वाइन तो क्लैरिटी होनी शुरू रहती है करना है क्या तीन साल के बाद आपको क्या करना है यस yes, आप जो कोर्स करने आए वो तो करोगे ही बट उसके बाद देखो क्या करना है नाउ वेरी क्विकली वेरी क्विकली स्ट्रक्चर ऑफ सी यू टी ट्वेंटी जो कि 2023 में भी मोस्ट लाइकली यही स्ट्रक्चर रहने वाला है जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द तो स्ट्रक्चर क्या है uh, सबको पता ही होगा बट बहुत जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं एक है सेक्शन वन जो कि लैंग्वेज है ठीक है एक है सेक्शन टू जो कि डोमेन स्पेसिफिक है ट्वेंटी सेवन डोमेन्स ऑफर राइट और सेक्शन थ्री जो है जनरल टेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट एंड जनरल टेस्ट जो डोमेन की, तो की बात करें तो डेली यूनिवर्सिटी ने डोमेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स इन लिस्ट बी वन एक बी वन को एक बी वन और बी टू अब बी वन में जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे अकाउंटेंसी एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी बिजनेस स्टडीज केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल स्टडीज जोग्राफी हिस्ट्री होम साइंस लीगल स्टडीज मैथमेटिक्स फिजिक्स पोलिटिकल साइंस साइकोलॉजी संस्कृत सोशियोलॉजी तो इफ आई में से मेन पेपर्स जो है वो बी वन में है और बी टू में न्यू एज पेपर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंटरप्रेन्योरशिप राइट फाइन आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली ये भी ऑप्शनल पेपर होता है सीबीएसई में की बात करें अगर तो

आ, दो पेपर बी वन से होने चाहिए तो अगर मैं एक अकाउंटेंसी स्ट्रीम की बात करता हूं या कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूं तो एक आप अकाउंटेंसी ऑप्ट कर लीजिए एक आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लीजिए राइट अकाउंट्स एंड एंड इकोनॉमिक्स राइट और तीसरा जो पेपर होता है डोमेन पेपर में तीन पेपर देने हैं आपको डोमेन में तीसरा आप बी टू या बी वन दोनों में से कर सकते हो तो लेकिन दो पेपर बी वन में होने चाहिए तो इफ़ यू हैव अकाउंटेंसी इफ़ यू हैव इकोनॉमिक्स इफ यू हैव बिजनेस स्टडीज इफ यू हैव मैथ्स बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स के साथ मैथ्स भी रखा होता है तो so, और एक पेपर बी टू से आप रख सकते हो तो सपोज यू हैव अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स यू हैव ऑप्टेड फ्रॉम बी वन देन यू कैन ऑप्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम बी टू तो ऐसे तीन पेपर देने पड़ते हैं बट जैसे मैं, मैंने कहा दो पेपर बी वन से होने चाहिए ये जनरली uh, एलिजिबिलिटी है ठीक है तो जो आप सीबीएसई के बोर्ड्स की तैयारी या डिफरेंट बोर्ड्स के बोर्ड्स की तैयारी एग्जामिनेशन की कर रहे हो तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज उनको ध्यान से पढ़िए अच्छे से पढ़िए वो आपको सीयूटी के डोमेन में भी हेल्प डेफिनेटली करेगा और जनरल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी तो आपको डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी

तो आपके पास ट्वेल्थ में वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी कहता है एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए तो आपने आपने इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया किया होना चाहिए अगर डोमेन पेपर फिल है नाउ मैंने बहुत क्विकली रिवाइज कर दिया अब मैं कुछ कोर्सेज शॉर्ट आफ्टर कोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं जो वो कोर्सेज ऑफर करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद बीए ऑनर्स इंग्लिश बीए ऑनर्स इंग्लिश अगेन वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम एज फार एज डेली यूनिवर्सिटी अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी देखोगे इंग्लिश फ्रॉम so मुझे लिटरेचर में जाना है उसको लग रहा है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं करना है फॉर वट एवर रीजन कोई अकाउंटेंसी या कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसको लग रहा है मुझे लिटरेचर uh, में इंग्लिश में कुछ आगे पढ़ना है तो कोई भी दो सब्जेक्ट्स बी वन से और एक और सब्जेक्ट मैंने कहा तीन पेपर देने होंगे डोमेन में से दो बी1 से और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर बी1 और बी2 अब तीसरा पेपर जो है वो बी2 से आप पकड़ सकते हो बट दो पेपर बी1 से होने चाहिए एंड वी हैव दीस टॉप कॉलेजेस डॉलत राम कॉलेज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स गार्गी कॉलेज हंसराज हिंदू जीजन मैरी करोड़ीमल कॉलेज लेडी श्री राम मेरेंडा हाउस Mirinda House, Ramjas, Sri Venkateshwar College, Saint Stephen's College. These are all colleges which offer B Honors English. ठीक है? B Honors Journalism. again ना ओमसम कोर्स, फिर ना ओमसम कोर्स. अब इसके लिए आपको कम्बिनेशन दो तरीकों से आप C U T के थ्रू इस कॉलेज, इस, इस प्रोग्राम में जा सकते हो. Uh, English, Yes. Section One से Any two subjects from list B One. एंड एनी वन फ्रॉम ईदर बी वन और बी टू वही बात सेम जो मैंने अभी डिस्कस की है या अगर आपके डोमेन पेपर की तैयारी नहीं हुई और अगर हो भी गई है तब भी आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए कट ऑफ हैं और जनरल टेस्ट से आपके पास ऑप्शन होती हैं और अगर आपका जनरल टेस्ट अच्छा होता है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन इसके थ्रू मिल सकती है कॉम्बिनेशन टू इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट प्लस सेक्शन थ्री ऑफ सी तो सारे डोमेन भी आप इग्नोर कर सकते हो एक इंग्लिश की तैयारी कर लो और सेक्शन थ्री की तैयारी कर लो तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो कॉलेजेस लेडी श्रीराम अगेन ऑसम भारती कॉलेज कॉलेज दिल्ली ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स राइट आर द कॉलेजेस ऑफर ऑनर्स जर्नलिज्म मैंने फोकस ही नॉन साइंसेस प्रोग्राम में करना है मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है सोचते नहीं है ये ऑसम कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम इंडिया यू कैन अप्लाई टू दीज कोर्स अंडर डे यूनिवर्सिटी फाइव इंटीग्रेट प्रोग्राम इन जर्नलिज्म अगेन डेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्मेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आप इंग्लिश प्लस सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट और हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स यूपी से बिहार से वो भी इस कॉलेज में आ सकते हैं अगर आपने इंग्लिश आपको आपको लगता है अगर आपको लगता है लैंग्वेज में आप हिंदी का एग्जाम देना चाहते हो और सेक्शन थ्री दे दीजिए और सेक्शन थ्री भी हिंदी लैंग्वेज में मीडियम ऑफर करता है सी एनटी -E आपको वो मीडियम ऑफर करता है डेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म अगेन ऑसम फाइव ईयर इंटर प्रोग्राम जर्नलिज्म में जाने के लिए बहुत अच्छा कोर्स है बी एनर्स मल्टी एंड मास कम्युनिकेशन सी अगेन You can get into this through any one language from list A. मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन का पेपर होना चाहिए और सेक्शन थ्री ऑफ सी टी ठीक है और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमे मल्टी मीडिया जो जनरली स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं जनरली कन्वेंशनल प्रोग्राम पर ही ध्यान देते हैं बट डेफिनेटलीट देशनल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक आपके पास मैथ्स एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है सपोज आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हो मैथ प्लस जनरल टेस्ट अगर आपके पास मैथ्स है आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के हो यस यू कैन डू बी टेक और क्या चाहिए लाइफ में अगर आपके पास मैथ्स है और ह्यूमैनिटीज कॉम्बिनेशन और मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बन गया है मैथमेटिकल इनोवेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑसम प्रोग्राम यस ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट अकाउंट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी बीटेक कर सकता है देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं आपके सामने इंफॉर्मेशन है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का राइट right? आपके पास एक लैंग्वेज को पेपर देना है सीयूटी में हाँ मैथ्स होना जरूरी है मैथ्स होना जरूरी है क्योंकि प्रोग्राम का नाम देखोगे आप मैथमेटिकल इनोवेशन एंड सेक्शन थ्री ऑफ सीयूटी जनरल टेस्ट अगेन एन ऑसम प्रोग्राम बीटेक यस बीटेक कर सकते हो आप ठीक है बहुत ऑप्शन है बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन वोकेशनल प्रोग्राम सी

वॉक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो यस यू कैन गेट इन टू हाँ मैथ्स होना जरूरी है बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैथमेटिकल इनोवेशन में मैथ्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है तो अगर आपके पास मैथ्स है अगर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो यू कैन गेट इन टू दीस प्रोग्राम्स एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए मैथ्स एनी टू सबेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी वन तो एक मैथ्स भी बी वन का है मैथ्स भी बी वन है और दो सब्जेक्ट्स और देने पड़ेंगे जिसमें से एक और बी1 का होना चाहिए तो दो पेपर बी1 के देने होने चाहिए जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया बी वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी रिटेल मैनेजमेंट और आईटी दीस आर ऑल स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स जॉब्स मिलेंगी अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ बीटेक और उन, उनको जॉब ऐसा कुछ नहीं है इन प्रोग्राम्स के थ्रू आओ ऐसे कैंपस में जॉब्स लो

प्लस मैथ्स होना जरूरी है और जनरल टेस्ट दे दोगे तो आप वेब डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग यू नो आर स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स एंड यहां से आप डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना डिपार्टमेंट uh, है यहां से करोगे तो डेफिनेटली जॉब मिलेगा स्किल है सीखोगे कुछ तो जॉब मिलेगा जॉब स्किल की होती है ठीक है पीपल आर नॉट अनएम्प्लॉयड याद रखना पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दे आर अनएम्प्लॉयबल दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड मेरे इकोनॉमिक्स के सर हमेशा बोलते थे पीपल आर नॉट एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड राइट दे आर अन एम्प्लॉय एबल जैसे स्किल्स की डिमांड है मार्केट में वैसे स्किल्स नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम की डिमांड है डिग्रियों की वैल्यू तभी है अगर आप वो स्किल्स दे रहे हैं अदरवाइज डिग्रीज की वैल्यूज नहीं है बी ए वोकेशनल स्टडीज में ये सारे प्रोग्राम स्किल बेस्ड इसमें यस इंग्लिश लैंग्वेज एनी टू स्प्रॉम बी वन या आप सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट के थ्रू भी इस प्रोग्राम में इन प्रोग्राम्स में इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते देखो मटीरियल मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस small and medium enterprise human resource management someone who is looking for mba in hr let's say if you go, do a course from uh, department of vocational studies human resource management go for a job for one or two years understand the human res human resource you know field and then you know you can then give gat examination go for uh, at uh, human resource management program mba program after that i mean tourism management management मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में चलिए नाउ कमिंग टू कन्वेंशनल प्रोग्राम सर इसके बारे में बताओ तो आपके मन में आ रहा होगा सर बीकॉम ऑनर्स के बारे में नहीं बताओगे बिल्कुल बताएंगे बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन वन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट मैथ्स या अकाउंटेंसी होना चाहिए

एक पेपर इंग्लिश का लैंग्वेज का हो गया तीन डोमेन के हो गए तो चार पेपर अब सीयूटी का स्ट्रक्चर है हर पेपर 200 मार्क्स का है। जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का पेपर है तो फोर इंट टू हंड्रेड आठ मार्क्स आठ मार्क्स यहां पर लिखा हुआ है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्क्स अप्रॉम एनी ऑफ द अब मैं कॉम्बिनेशन तो चारों पेपर का मेरिट बनेगा जी टी

बी कॉम ऑनर्स के लिए ये कॉलेज हैं, ठीक है डी यू कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम लास्ट ईयर तक इन प्रोग्राम्स के लिए डी यू जैट का टेस्ट होता था तो इसमें सीयू टी इन एनी वन लैंग्वेज मैथ होना कंपल्सरी है इन प्रोग्राम्स के लिए डेली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं सी यू इन एनी वन लैंग्वेज तो इंग्लिश मैथ्स होना कंपल्सरी एहम जनरल टेस्ट होना कंपल्सरी है लास्ट एग्जामिनेशन डी यू जैट होता था इन सब प्रोग्राम्स के लिए तो so, प्रोग्राम है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बी ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं इसमें मैथ्स होना जरूरी है और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो ये प्रोग्राम्स हैं तो अगर हम टॉप कॉलेज हैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज BMS एम BBA एंड Investment Analysis ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दो प्रोग्राम्स ऑफर हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में BMS ऑफर है केशवर महाविद्यालय में बी ऑफर है गार्गी कॉलेज फॉर वीमेन में बी ए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज महाराजा अगर अगर कॉलेज में बी ए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफर है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज आर्यभट्ट शिवाजी कॉलेज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज इस ये प्रोग्राम्स हैं राइट

अंडर ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात सोशल साइंसेज की बात करता हूँ तो डेही यूनिवर्सिटी से बी ए ऑनर्स इकनॉमिक्स अच्छे कॉलेज से उसके बाद यू कैन गेट इनटू डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यू कैन गेट इनटू और कैट देकर एम कर सकते हो इकोनॉमिस्ट बन सकते हो बहुत अच्छे करियर ओपन होते हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी जोग्राफी ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल एज यूपीएससी सी एस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स हिस्ट्री पॉल साइंस सोशियोलॉजी जोग्राफी ये सिविल सर्विस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं तो ह्यूमैनिटीज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ जैसे मैंने कहा करियर पाथ बनता है फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स वहाँ पे डिसाइड होता है कि मुझे तीन साल के बाद यूपीएससी का तैयारी करना यू पी तैयारी करना है तीन साल के बाद यूपीएससी देना है या कैट में जाना है इकोनॉमिस्ट बनना है या डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है एम इकोनॉमिक्स करना है फर्दर इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना है तो ये सारे कॉलेजेस हैं फॉर ह्यूमैनिटीज कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑफर्स इकोनॉमिक्स अपार्ट फ्रॉम बी कॉम ऑनर्स अगेन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स होना कंपलसरी है मैं यहाँ पर बता रहता हूँ डेली यूनिवर्सिटी में हायर लेवल पे इकोनॉमिक्स की रिसर्च के लिए मैथ जरूरी है हिंदू कॉलेज में बी ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स पोलिटिकल साइंस बी ऑनर्स सोशियोलॉजी ये सब प्रोग्राम ऑफर है और भी बहुत हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है बट मैंने किया है जो मोस्ट शॉर्ट आफ्टर लेडी श्रीराम कॉलेज में बी साइकोलॉजी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स बी ऑनर्स हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हंसराज जब मैं पहली बार डेली आया था तो यहां पर देखा कि बी और बी कॉम के स्टूडेंट्स भी कितना क्लैरिटी के साथ अपने करियर को चूज करते हैं राइट आ, हमें शायद छोटे शहरों में लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन ही करियर है ऐसा नहीं है यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कन्विक्शन के साथ ये प्रोग्राम्स बच्चे ऑफर करते हैं कि उनको पता होता मुझे है मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है या मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है मुझे इकोनॉमिक्स में फ़र्दर रिसर्च करना है और यही यही ऑफकोर्स सी का रीज़न डेफिनेटली एक तो है ही है कि सिंप्लीफाई करना इतने एडमिशन प्रोसेस को और डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट तरीके से मार्क्स आते हैं तो एक फेयर एडवांटेज सबको मिले अनबाइस एडवांटेज ना मिले एक तो ये है दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा है ना कि सिर्फ साइंसिस और उसके लिए सिर्फ एंट्रेसेस नहीं एक एक ह्यूमैनिटीज का और कॉमर्स का स्टूडेंट भी क्लैरिटी के साथ सोच के अब तैयारी करे ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला तो अकाउंट्स रख लिया या आर्ट्स रख लिया नहीं मैंने आर्ट्स क्यों रखा है बिकॉज मुझे सपोज़ बीए ऑनर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है लेडी श्रीराम कॉलेज से फॉर वुमेन से राइट और मुझे फर्दर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है जैसे मैंने दिखाया लेडी श्री राम से टीना डाबी आई सिविल सर्विस टॉपर रही हैं तो ये क्लैरिटी कि मुझे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उसके बाद मुझे एम ए इकोनॉमिक्स करना है डेली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से फिर मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है जो भी है क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी के साथ आप ऑप्शन चूज करते हो हंसराज कॉलेज बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स बी ऑनर्स हिस्ट्री पॉल साइंस रामजस कॉलेज इकोनॉमिक्स हिस्ट्री गार्गी कॉलेज राइट वेंकटेश्वर कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज ऑफर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिट साइंस सोशियोलॉजी ऑनर्स प्रोग्राम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज ऑफर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स ठीक है सो द आइडिया ऑफ दिस सेशन इज अपना दिमाग ओपन करो बहुत ऑप्शंस हैं बहुत ऑप्शंस हैं ऐसे ऑप्शंस के भरे हुए सेशंस हम लाते रहेंगे इन्फॉर्मेशन सेशंस लाते रहेंगे तैयारी करते रहो बच्चों वो बहुत जरूरी है क्लैरिटी के साथ आई विश यू बेस्ट ऑलवेज मेरी तरफ से हमेशा आपको बेस्ट विशेष हैं गॉड ब्लेस यू और टिल द नेक्स्ट सेशन